इस वीडियो के अंदर एक रैंप जो मेन एंट्री का होम का मेन एंट्री का रैंप होता है उसका डिजाइन देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसमें रैंप ही बताते हैं, उसके बाद में अंदर पार्किंग टाइल और स्टेयरकेस डिजाइन देखने को मिलेगा। कभी भी अगर रैंप अपन बनाते हैं तो उसमें कभी भी ऐसी टाइल लगानी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें कभी भी टाइल्स लगाते हैं तो इसको 3 इंच के जो टुकड़े लगाते हैं वो तरीके से लगाना चाहिए। ये टाइल के टुकड़े कभी भी रुकते नहीं। उसमें ग्रेनाइट का रैंप बनाना चाहिए, जैसे देख सकते हैं इसमें 16x16 की जो डिजिटल टाइल्स आती है उसी टाइल्स का इसमें फिटिंग किया हुआ है। जो मैट पॉलिश का टाइल है, ये कंप्लीट जो देख रहे हैं ये पूरा मैट पॉलिश का ही टाइल्स है। इसके अंदर ग्रेनाइट की पट्टी लगाते हैं कभी भी जो रैंप बनाते हैं। इसका एक वीडियो पहले भी आया है, वो देख सकते हैं रैंप कैसे बनाते हैं और उसका क्या बेनिफिट रहता है। उसमें कभी भी पैर फिसलने का चांस नहीं रहता। सबसे पहले तो इसमें एक नीचे पट्टी ली हुई है और बाद में एक ऊपर पट्टी ली हुई है, दो पट्टी ली हुई है इसमें जो मेन गेट के अंदर। देखते हैं इसका क्या लुक आ रहा है अंदर का, जो इसका पार्किंग टाइल्स रहता है। 4 टाइल के अंदर इस कंप्लीट इसका डिज़ाइन मैच हो रहा है। ये टाइल का अगर प्राइस का बात करेंगे तो ये आपको 40 से 35 रुपए के आसपास इसकी प्राइस रहती है। और हाई इसकी अगर रेट की बात करेंगे तो इसमें और भी अच्छी क्वालिटी की टाइल्स आती है जो इसमें अलग अलग कंपनी की आती है, उसकी 45 रुपए के आसपास प्राइस रहती है। और फिटिंग प्राइस बात करेंगे तो इसकी फिटिंग रहती है 13 से 14 रुपये इसकी फिटिंग प्राइस रहती है। अभी अंदर देखते हैं इसके अंदर कौन सी टाइल लगाई हुई है, वो भी डिजिटल 16x16 टाइल्स ही लगाई हुई है। यहाँ पे इसमें ग्रेनाइट लगाई हुई है मेन गेट के अंदर, जो 9 से 10 इंच का पट्टा आया हुआ है जिसको इसमें जॉइंट लिया हुआ है। 3-3 इंच की पट्टी ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन लेके इसमें फिटिंग किया हुआ है टाइल्स का। ग्रेनाइट का इसमें देख सकते हैं ये 3-3 इंच की पट्टी ली हुई है। जो वेस्टेज जो पट्टी रहती है वो पट्टी ऐसे फिटिंग कर सकते हैं, ये भी अच्छा आइडिया है। अगर वेस्टेज जो ग्रेनाइट रहता है अपना तो उसको किस तरीके से काम में लेना है। अभी इसमें आगे एक लाखा रेड के स्टेयरकेस की डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। ये सबसे पहले देख सकते हैं इसके अंदर टाइल्स डिजिटल जो 16x16 टाइल्स आती है, इसकी अच्छी हैवी ड्यूटी टाइल्स आती है। कार पार्किंग के हिसाब से एकदम बेस्ट टाइल आती है, यही फिटिंग करनी चाहिए कभी भी। इसमें 12 इंच में 12 इंच की भी आती है, वो भी लगा सकते हैं, वो थोड़ी सी हल्की आती है। इसकी 12 mm थिकनेस आती है, इसीलिए इसकी टूटने का चांस कम रहता है, मेंटेनेंस कम रहता है इस टाइल्स का। अभी इसमें स्टेयरकेस देखते हैं जो लाखा रेड का राइजर है, और उसके बाद में इसमें टेलीफोन प्ले जो ग्रेनाइट आता है उसका इसके अंदर स्टेप्स में फिटिंग किया हुआ है। ये यहाँ पे है कुछ स्टेयर्स, 3 स्टेप्स और 3 स्टेप्स इसके अंदर जो मेन एंट्री का गेट रहता है उसमें है। इसका देख सकते हैं लाखा रेड का राइजर है, इसका कॉम्बिनेशन ऐसा। अगर स्टेयर्स फिटिंग करते हैं आप तो क्या लुक रहता है, ये एक आइडिया ले सकते हैं इस वीडियो से। उसके बाद में इसकी प्राइस क्या गिरती है वो भी बताते हैं। ये जो लाखा रेड इसमें फिटिंग की हुई है, इसका प्राइस अगर बात करेंगे जो रिटेल प्राइस है इसका 250 रुपये से 250 रुपये के आसपास इसकी प्राइस रहती है। जो राजस्थान का कलर है और ऊपर इसमें ब्लैक ग्रेनाइट लिया हुआ है, इसका 80 से 90 रुपये इसका प्राइस रहता है। जो अभी ग्रेनाइट इसमें फिटिंग किया हुआ, जो सादा ग्रेनाइट आता है वो ग्रेनाइट इसमें फिटिंग किया हुआ है। इधर इसका गार्डन टाइप का एरिया है, जो गार्डन की तरफ जाने का एरिया रहता है वो एरिया में ये स्टेप्स बनाए हुए हैं। बाद में इसमें बाजू में यहाँ पे और इसमें मेन एंट्री का जो गेट रहता है, हॉल का एंट्री रहता है, जो हाउस का एंट्री रहता है, वो एंट्री के सामने ये देख सकते हैं इसमें 3 स्टेप्स लाखा रेड के अंदर। ये भी वही ग्रेनाइट में फिटिंग की हुई है। इसका अगर मिनिमम 1-3 फुट का टप्पा बनाते हैं एल शेप में, डबल पट्टी लेके फिटिंग करवाते हैं, तो इसका 500 से 600 रुपये प्राइस आता है, जो स्कर्टिंग में फिटिंग हो जाता है उसके अंदर। स्कर्टिंग के साथ में इसका प्राइस गिरता है कंप्लीट। थोड़ा सा नज़दीक से बता देते हैं आपको इसका। इसी के अंदर जो पी वाइट ग्रेनाइट आता है उसका अगर राइजर लेते हैं ब्लैक ग्रेनाइट के साथ में, तो उसका लुक काफ़ी ज़बरदस्त आ जाता है। इसका थोड़ा सा लुक इतना उठ के दिख रहा नहीं है। ब्लैक के साथ में कभी भी वाइट टाइल्स देख सकते हैं, या फिर ब्लैक ग्रेनाइट के साथ में जो वाइट ग्रेनाइट आता है उसका भी लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है। उसके भी बहुत से वीडियो हैं जो देख सकते हैं और आइडिया लेके फिटिंग करवा सकते हैं। ये टाइल्स देख सकते हैं इसके अंदर डिजिटल, और यहाँ से इसकी मेन एंट्री, यहाँ पे कार पार्किंग का एरिया है। और रैम में कभी भी ऐसी टाइल ना लगाए, इससे पैर फिसलने का या फिर पानी अगर रहता है तो टाइल के ऊपर तो पैर फिसलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसमें कभी भी ग्रेनाइट की पट्टी लगाए 3-3 इंच की 3 इंच की या 4 इंच की, जिसको 2 सूत ऊपर रख के फिटिंग करते हैं, 2 सूत से 1/2 इंच। ये रैंप का 2-3 वीडियो पहले आए हुए हैं, वो देख सकते हैं, और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा तो वो चेक कर सकते हैं रैंप कैसे फिटिंग करते हैं, जिससे उसके ऊपर पैर फिसलने का चांस नहीं रहता। इसमें लेदर पॉलिश या पॉलिश वाला दोनों भी ग्रेनाइट फिटिंग कर सकते हैं रैंप के अंदर। और ऊपर इसमें देख सकते हैं सामने एक तुलसी रोंदा उनका इसमें
कोटा बनाया हुआ है, पीछे इसमें बोरिंग का है और आजू बाजू से इसमें गार्डन आ जाएगा कंप्लीट, और साइड से वॉल में इसमें टाइल लगा रखी है, जो 2x1 की टाइल्स रहती है वो टाइल ली हुई है, इसमें बीच में एक हाईलाइटर का पट्टा लिया हुआ है। ये ऐसी अगर टाइल्स परचेस करना चाहते हैं अपन तो इसका 300 रुपये का बॉक्स मिल जाता है, 300 से 350 रुपये के आसपास इसका बॉक्स मिल जाता है, जो 28 से 29 रुपये के आसपास इसकी प्राइस रहती है। 100% जो वाटरप्रूफ टाइल आती है, इसी के अंदर भी एक वीडियो पहले आया हुआ है जिसके अंदर चेक कर सकते हैं वाटरप्रूफ टाइल किसको बोलते हैं और नॉन वाटरप्रूफ टाइल किसको बोलते हैं। जो 100% वाटरप्रूफ टाइल रहती है, अभी ये जो देख रहे हैं ये 100% वाटरप्रूफ टाइल है, इसके अंदर जो नॉन वाटरप्रूफ टाइल आती है उसमें पीछे कभी भी जो दाग धब्बे रहते हैं, सीमेंट जितनी दूर में लगती है वो सीमेंट का दाग ऐसा ऐसा सामने नज़र आता है जिसमें, और थोड़ी सी इसकी जो ग्लोसी पॉलिश रहती है उसका भी फर्क रहता है वाटरप्रूफ जो टाइल्स रहती है उसमें। इनका अगर फोटो या फिर और भी कुछ डिटेल चाहिए तो राम कॉन्ट्रैक्टिंग गूगल मैप या फिर फेसबुक पेज पे भी ले सकते हैं इनका पूरा डिटेल। ऊपर से अगर अपन देखते हैं, नीचे आते हैं तो इसका पूरा ग्रेनाइट ब्लैक ग्रेनाइट ही दिखता है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसमें दो कलर का कॉम्बिनेशन दिखता है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा पार्किंग टाइल्स। और भी इसमें बहुत सी कलर थी और बहुत डिजाइन की टाइल्स आती हैं, और ले सकते हैं और फिटिंग करवा सकते हैं कार पार्किंग के अंदर। इसमें जो डिजिटल 12x12 की जो टाइल्स आती है वो आपको 250 रुपये के आसपास उसका बॉक्स गिरता है, जो 25 से 26 रुपये उसकी रेट रहती है। वीडियो को दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ में भी, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हैं जो चेक कर सकते हैं और आपकी हेल्प हो सकती है उससे। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा और किस चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए।